प्रकृति की सुंदरता से धन्य झारखंड के दो खूबसूरत जिला गुमला तथा सिमडेगा घने जंगलों, पहाड़ियों तथा नदियों से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये जिले अपने प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, आज हम इन्हीं दोनों जिलों के बारे में कुछ जानकारियाँ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गुमला जिले का गठन 28 मई 1984 ईस्वी को किया गया था, जबकि सिमडेगा जिले का गठन 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले को ही अलग कर किया गया था। दोस्तों, अगर हम गुमला जिले की कुल एरिया की बात करें तो 5,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं सिमडेगा जिला 3,774 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गुमला जिले की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,25,213 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,14,390 तथा महिलाओं की संख्या 5,10,823 है। वहीं सिमडेगा जिले की जनसंख्या 5,99,578 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 3,309 एवं महिलाओं की संख्या 2,99,269 है। दोस्तों, गुमला जिले की अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 993 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर हैं तथा सिमडेगा जिले की लिंगानुपात 997 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर हैं। दोस्तों, गुमला जिले की अगर साक्षरता दर की बात करें तो वहाँ 65.73% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.55% एवं महिलाओं की साक्षरता दर 55.90% है। वहीं सिमडेगा जिले की साक्षरता दर 67.99%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.08% एवं महिलाओं की साक्षरता दर 59.92% है। गुमला जिले की जनसंख्या घनत्व 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं सिमडेगा जिले की जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम गुमला जिले की एसटी की बात करें तो 68.93% और एससी 3.16% निवास करते हैं। वहीं सिमडेगा जिले में कुल एसटी की संख्या 70.78% एवं एससी की संख्या 7.45% है। दोस्तों, गुमला जिले में 3 अनुमंडल, 12 प्रखंड, 3 विधानसभा क्षेत्र, 136 पंचायत एवं 953 गांव हैं। वहीं सिमडेगा जिले में 1 अनुमंडल, 10 प्रखंड, 2 विधानसभा क्षेत्र, 94 पंचायत। सिमडेगा जिले की उद्योग धंधों की बात करें तो यहां बॉक्साइट, सीसा, चूना पत्थर, अभ्रक, क्वार्टज, लोहा तथा काइनाइट आदि पाए जाते हैं। वहीं सिमडेगा जिले में चूना पत्थर, क्वार्टज आदि पाए जाते हैं। सिमडेगा जिले में बीड़ी उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, साबुन, लोहे के सामान आदि बनाए जाते हैं। सिमडेगा जिले में संख एवं दक्षिण कोयल नदी बहती है, वहीं गुमला जिले में दक्षिण कोयल एवं संख नदी बहती है। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस जिला के बारे में जानना चाहते हैं?